फिल्म कूली का वो सीन तो हर किसी को याद ही होगा जहां अमिताभ बच्चन के चोट लगी और उनका बचना भी मुश्किल नजर आ रहा था। ऐसे में पूरा देश उनके लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हर जगह उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। लेकिन बैंगलोर से हजारों किलोमीटर दूर कोई था जिसे भविष्य में घटने वाली इस घटना के बारे में पहले से ही अंदाजा था। वो थी स्मिता पाटिल। बैंगलोर यूनिवर्सिटी के कैंपस में शूटिंग के बाद हमेशा की तरह अमिताभ बच्चन अपने होटल आए, खाना वाना खाया और अपने कमरे में जाकर सो गए। आधी रात के बाद अचानक ही उनका कमरा फोन की आवाज़ से गूंज उठा। उन्होंने फ़ोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से होटल के कॉल ऑपरेटर की आवाज़ आई, सर आपके लिए मुंबई से एक अर्जेंट कॉल है। अमित जी ने पूछा कौन है, तो उन्होंने बोला स्मिता पाटिल। उन्होंने फ़ोन ट्रांसफ़र करने के लिए कहा लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। उन्हें लगा शायद कोई मजाक कर रहा होगा। करवट लेते हुए वो ये सोच ही रहे थे कि शायद उनसे कोई मजाक कर रहा था या स्मिता जी ने सच में उन्हें फ़ोन किया है, कि अचानक उनका कमरा फिर से गूंज उठा। इस बार उन्होंने फ़ोन रिसीव किया तो फ़ोन के दूसरी तरफ कांपते हुए आवाज़ आई, हेलो अमित जी आप ठीक तो हैं? अमित जी ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बताइए। तो स्मिता जी बोली, मैंने अभी अभी एक बहुत बुरा सपना देखा कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और आपकी जान खतरे में है। अमित जी ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन कौन जानता था कि स्मिता पाटिल का ये दुःस्वप्न सच हो सकता है। उस दिन के ठीक 2 दिन के बाद अमिताभ बच्चन एक फाइट सीक्वेंस शूट कर रहे थे जहाँ उनके साथ ये हादसा हुआ। बॉलीवुड के ऐसे ही कई अनजान किस्से सुनने और जानने के लिए देखते रहिए bollywoodcalendar.com।